उनकी नेटवर्थ है 312 करोड़। ना करे 312 करोड़ जी, इतना तुम्हारे पाकिस्तानी सारे मिला के नहीं होते। बिल्कुल ऐसी 312 करोड़, माय गॉड। और विराट कोहली की कितनी होगी? 4000 करोड़ के अराउंड है विराट। 4000 मतलब पूरा पाकिस्तान खरीद सकते हैं। हमारे प्लेयर गरीब क्यों है? क्यों है आप बताएं, आप भी पाकिस्तानी हैं? क्या छोड़ देते क्या छोड़ देते आते हुए हमारे जो डॉलर्स हैं छोड़ देते हो। अबर आजम की नेटवर्थ है 124 करोड़। इधर आओ बात सुनो, हार्दिक पांड्या की कितनी नेटवर्थ होगी? वो तो हमारा कल का बच्चा, अभी उसकी होगी कोई 20-30 करोड़। बहुत कम बता रहे हो। नहीं, इतनी है बाबर का बच्चा वो। भाई दिलों को थाम, 312 करोड़ है। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मैं? ठीक ठाक। अच्छा मीम, आपके लिहाज से बाबर आजम की अगर उसका कंपैरिजन करें हार्दिक पांड्या का, बाबर आजम की नेटवर्थ कितनी होगी? बाबर आजम और हार्दिक पांड्या की, आई थिंक बाबर आजम की नेटवर्थ ज्यादा होनी चाहिए, हमारा बंदा है। कितनी होगी गैस करें, कितने करोड़ होगी? आई कैन नॉट गेस, मे बी 100 करोड़। ये कोई 30-40 50 हो जाएगी। अगर मैं कहूँ ये कम है, इसे मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 100 करोड़ कर लें, डबल कर लें। 100 करोड़ से ज्यादा होगी, 100 करोड़ से कम होगी? ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? अभी मैं तो ये बता सकती हूँ कि मिनिमम इतनी होगी, इससे ज्यादा ही होगी। अच्छा चलो मैं आपको बता दूं, बाबर आजम की है 124 करोड़ नेटवर्थ पाकिस्तानी रुपीज के अंदर, हार्दिक पांड्या की कितनी होगी? I don't have any guess about him. इंडियन प्लेयर की बात करें हार्दिक पांड्या की, 200 करोड़, इससे ज्यादा नहीं लग रही मुझे। नहीं मीन्स उनकी नेटवर्थ है 312 करोड़। ना करे 312 करोड़ जी, सीरियसली वाकई इतना तुम्हारे पाकिस्तानी सारे मिला के नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही 312 करोड़, माय गॉड। और विराट कोहली की कितनी होगी? विराट कोहली तो लाइक बहुत ऊपर है, उनकी अपर लेवल पे चले गए। 4000 करोड़ के अराउंड है विराट। 4000 मतलब पूरा पाकिस्तान खरीद सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अगर हम अपने बाबर की तरफ से, बाबर की नेटवर्थ कितनी होगी? यार अब इंडिया के आगे पाकिस्तानी आप ये जलील तो ना कराया। नहीं देखे, हमारा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन है फिर भी ये हार्दिक से नीचे ही होंगे बाबर आजम। मुझे लग रहा है कि ये कोई 80-70 पे जाएंगे। हाँ जी, ऑलमोस्ट इतनी ही है। देखा मैं बाबर, मैं अच्छे से समझती हूँ पाकिस्तानियों की नेटवर्थ की। नहीं कम बता रहे हो सर, बाबर आजम की नेटवर्थ है 124 करोड़। इधर आओ बात सुनो, कितनी नेटवर्थ होगी? वो तो हमारा कल का बच्चा, अभी उसकी होगी कोई 20-30 करोड़। बहुत कम बता रहे हो। नहीं, इतनी है, बाबर का बच्चा वो। भाई दिलों को थाम लो, नेटवर्थ 312 करोड़ है। यार क्या झूठ बोल रहे हो आप? यार मैं क्यों झूठ बोल रहा हूं? झूठ बोल रहे हो आप, झूठ बोल रहे हो। ओ मोबाइल गूगल करके देख लो यार, अगर इतनी है तो हमें भी तो थोड़े से पैसे मिल ले जाइए ना। पैसे दो, कर्जा उतारे पाकिस्तान का, पाकिस्तान का कर्जा उतारे। यार कितना विराट कोहली की कितनी होगी? ये नहीं, वो भी हमारे बाबर का बच्चा है सर, 4000 करोड़ प्लस है उसके। मैं कभी भी नहीं मानूंगा। नहीं वो सर, सच में मैं कह रहा हूँ, मोबाइल गूगल निकाल के देख लो। मैं ऑनलाइन देखता हूँ, गूगल पे क्या देखूँ जी। हम ना विराट की आज बात करेंगे, ना ही हम बात करेंगे रोहित शर्मा की, हम बात करेंगे हार्दिक पांड्या की कितनी होगी? बाबर से कम ही होगी। कितनी कम होगी? 45 करोड़ कर लें उसका। 5 सर बहुत कम बता रहे हो। अगर मैं कहूँ वो हार्दिक पांड्या की नेटवर्थ बाबर से बहुत ज्यादा है, ये भी हो सकता है। कितनी होगी? 150 करोड़ कर लें उसकी। सर 314 करोड़ हार्दिक पांड्या की नेटवर्थ है। क्या बात है। यार हमारे प्लेयर क्यों गरीब रह गए हैं? यार अब ये भी तो देखे ना, वो खेलते किस तरीके से हैं। बाबर पहले बहुत अच्छा खेलता था, अब उसको पता नहीं आजकल क्या हुआ। पसंद है बाबर आपको? पहले था। नहीं आपने कहा ना बाबर आजम की ज्यादा है। वो हमारा है, हमने तो फेवर में बोला है ना, गेस मैं आपको बताता हूँ, हार्दिक पांड्या की नेटवर्थ 324 करोड़ है। अच्छा, 324 करोड़। तो फिर अगर आपको पता था फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं आपको फिर पता होना चाहिए ना, हमारे प्लेयर गरीब क्यों है? क्यों है आप बताएं, आप भी पाकिस्तानी हैं? क्या छोड़ देते क्या छोड़ देते आते हुए हमारे जो डॉलर्स हैं छोड़ देते हो? डॉलर्स पकड़ दिया, कैश नहीं पकड़ते। कैश नहीं पकड़ते। देखिए हम अपने टीम का लेवल इंडिया के लेवल पे कब लेके जाएंगे? लाइक देखें ना, अगर विराट इनडायरेक्टली इंडिया के लेवल को बड़ा हाई कर रहे हैं आप, गलत। मेरी फेवरेट टीम है इंडिया, मैं तो खड़ा होकर कहता हूं विराट मेरा फेवरेट है। हमारे लोग तो मैच हारने के बाद भी कहते हैं हमें तुमसे प्यार है। नहीं वो गए यार, थक गए हैं, ट्रॉफी कोई नहीं आ रही पाकिस्तान। हाँ ये है, ट्रॉफी आनी चाहिए, 92 के बाद फिर ट्रॉफी कोई नहीं आई है। बिल्कुल वैसे ही है, तो हम तो वो क्रेडिट भी छीनने के चक्कर में।
हम लोग तो ऐसे लोग हैं, बिल्कुल ऐसे ही है हम तो। लाइक जो इमरान खान इंक्लूजर उसको खत्म कर दिया हमारे स्टेडियम में से, उसको खत्म कर रहे हैं। तो बताइए फिर आप ट्रॉफी कैसे आई, कैसे आई ट्रॉफी के लिए रिस्पेक्ट हो रही है इस काम की, तो फिर आगे कैसे आएगी? बिल्कुल। अच्छा, आपको विराट कोहली ज्यादा अच्छा लगता है बाबर आजम एज अ क्रिकेट फैन? ये नहीं कहना यहाँ पर मुझे थोड़ा सा होना पड़ेगा, आई थिंक विराट बेटर। विराट की नेटवर्थ क्या होगी बता? आई कैन गेस अबाउट दिस 4000 करोड़। अच्छा लाइक अच्छा मुझे बताएं उनके नेटवर्थ से हम क्या कंपेयर करना चाह रहे हैं, हम उसमें से क्या अखज करना चाह रहे हैं? हम ये करना चाह रहे हैं, देखिए उनके पास स्पॉन्सरशिप भी बड़े आ रहे हैं, एक साथ हम आजाद हुए हैं या हम उनसे अलग हुए हैं ये भी नहीं हमें पता। हम आजाद हुए हैं, एक साथ आजाद हुए, उनकी क्रिकेट का लेवल हमसे ऊपर जा रहा है, हमारे पास शाहीन है, हमारी ग्रुपिंग हो रही है, हम हमेशा इंडिया से हार जाते हैं, ये मसले को लेकर मैं बहुत तंग हूँ। हमारे पास दूसरे वाले शाहीन भूल गए, शाहीन आफरीदी यार, ठीक है। तो हमारे प्लेयर इतने अमीर क्यों नहीं हो पा रहे? इवन देखें इंडियन प्लेयर्स बाहर लीग्स भी नहीं खेलने जाते हैं, उन लोगों के बाहर कोई स्पॉन्सर भी नहीं आते, अपने घर के अंदर ही रहते हैं, इतने अमीर बन गए हैं। पाकिस्तानियों का थोड़ा सा कैलिबर डाउन है, ये एक बिरयानी की प्लेट में चले तो भाई इनकी नेटवर्थ इतनी होगी, मेरे ख्याल से ये भी इनके लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। यार देखो इंडिया पाकिस्तान आ रहा है फरवरी के अंदर चैंपियन ट्रॉफी खेलने, क्या एक्साइटमेंट है आपकी? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, लेकिन हर दफा नाक कटवाइए, इस दफा भी कटवाएंगे, हम मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं। मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं, नहीं देखें इंडिया आ रहा है, विराट आपका शायद फेवरेट होगा, हर लड़की का क्रश है विराट कोहली, क्रश तो नहीं है लेकिन फेवरेट है, शादीशुदा है ना तो क्या करें आप तो वेलकम करेंगे आप उनको? बिल्कुल करेंगे, अगर वो आएंगे तो हम वेलकम जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा अगर दोनों में कंपैरिजन करें, हार्दिक पांड्या ज्यादा आपको पसंद है या फिर अपना बाबर आजम? देखिए दोनों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। वैसे बाबर पाकिस्तानी प्लेयर है तो बाबर के साथ ही सपोर्ट करेंगे, उसको ही सपोर्ट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। पांड्या के अंदर क्या सी खास क्वालिटी जो बाबर में नहीं है? बाबर पाकिस्तानी, इस वजह से मैं उसके साथ। नहीं नहीं, पांड्या के अंदर क्या खास बात नजर आई है आपको जो बाबर के अंदर नहीं है, जो बाबर में है जो पांड्या में? वो तो अच्छा खेलता है, बेस्ट प्लेयर है। पांड्या के छक्के याद आ गए आपको जो शदाब को मारे थे? हाँ जी। क्या मैसेज दोगे आप सर चैंपियन ट्रॉफी के लिए फरवरी के अंदर इंडिया पाकिस्तान आ रहा है, कोई अच्छा गुड मैसेज दो ताकि वो पाकिस्तान आ पाए? हम बड़े कहते हैं ना, हम बहुत अमन पसंद कौम है, प्रैक्टिस में एक सा मैन परफेक्ट, तो आप प्रैक्टिस करें, अगर पाकिस्तानी ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो अच्छा खेल सकते हैं, हार्दिक से भी आगे जा सकते हैं, हार्दिक तो फिर कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के ना टैलेंट है, लेकिन अगर आवाम बिके ना, बिके ना, हाँ जी बिके ना, बिके जाते हैं। हाँ जी, बाबर दुनिया के नंबर वन बैट्समैन और हार्दिक पांड्या एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, कितना फर्क नजर आ रहा है, क्यों वो इंडियन बोर्ड इतना अमीर है? इंडियन बोट अमीर नहीं बल्कि पूरा इंडिया अमीर है, और उसकी अमीर होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उसके वहाँ पे आईसीसी के बड़े इवेंट्स होते हैं, और साथ साथ जो आईपीएल के मैच जो होते हैं उसकी वजह से उनके प्लेयर्स को जो है एक एज ज़रूर है। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि पीएसएल जो है वो हंसी मजाक का जो है वो टूर्नामेंट है, यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के अच्छे जो प्लेयर्स होते हैं वो बहुत कम आते हैं, उसकी बड़ी वजह यहाँ का जो सियासी इन्वायरमेंट है, यहाँ हर तरह हर वक्त एक जंग सी फैज़ा कायम होती है, और जो इंटरनेशनल उसमें वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है साबित। मैं आप सॉरी आपकी बात को काट रहा हूँ, एक तरफ देखें हमारे बाबर आजम साहब हैं दुनिया भर की जितनी भी लीग्स हैं वो खेलते हैं, और सिर्फ जो जसप्रीत बुमराह आईपीएल खेल के इतना पैसा कमा रहा है, क्या आईपीएल उनको इतना पैसा दे देता है? जी बिल्कुल, आईपीएल उनके प्लेयर्स को पैसे देता है 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, तो वो हर साल इतने जो हैं वो पैसे लेते हैं। साथ साथ उनके जो जो बोट है इंडियन क्रिकेट बोट, वो दुनिया का अमीर तरीन बोट है, इवन आईसीसी से वो ज़्यादा अमीर है, इसलिए उनकी सैलरी डबल होती है, ट्रिपल होती है, और जिस तरह की वो जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस है इससे उसको और भी एड्स आते हैं इंडियन जो है टेलीविज़न में, चूँकि इंडिया की जो टेलीकम्युनिकेशन जो इंडस्ट्री है वो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। एक वजह ये भी है जसप्रीत बुमराह के पास 312 करोड़ होने का।